नहीं नहीं देखिए, जनादेश जो था वो बदलाव का था और सब कोई जानते थे कि मेवालाल किस मुकदमे में, किस घोटाले में उन पे मुकदमा हुआ, FIR हुआ और इसके बावजूद भी लोगों ने टिकट दिया और जीते और जीतने के बाद जो है शिक्षा मंत्री बनाया। तो हमने तो कई बार जो है लगातार आवाज़ उठाई है। अभी ऐसे तो दर्जनों मंत्री हैं जिसको नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाने का काम किया और पहले भी अगर आप देखेंगे बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में भी जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी थी, जो लोग फंसे थे वो लोग पूरी तरीके से जो है खुलेआम घूमते रहे पिछले मंत्रिमंडल में। तो अभी तो हम लोगों ने इस्तीफा की मांग की थी, इस्तीफा हुआ है और बाकी भ्रष्टाचार के मामले जो हैं आगे हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, उठाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। नीतीश कुमार ने आपके खिलाफ पूरी टीम उतार दी है JDU की, कह रहे हैं कि आपको विरोधी दल का नेता नहीं बनना चाहिए। अरे मंथन करना चाहिए नीतीश जी को, जो हार हुई है उनकी उस पर मंथन करना। जीराज सिंह कह रहे हैं लव जिहाद को लेकर नहीं नहीं देखिए, जनादेश जो था वो बदलाव का था और सब कोई जानते थे कि मेवालाल किस मुकदमे में, किस घोटाले में उन पे मुकदमा हुआ, FIR हुआ और इसके बावजूद भी लोगों ने टिकट दिया और जीते और जीतने के बाद जो है शिक्षा मंत्री बनाया। तो हमने तो कई बार जो है लगातार आवाज़ उठाई है। अभी ऐसे तो दर्जनों मंत्री हैं जिसको नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाने का काम किया और पहले भी अगर आप देखेंगे बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में भी जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी थी, जो लोग फंसे थे वो लोग पूरी तरीके से जो है खुलेआम घूमते रहे पिछले मंत्रिमंडल में। तो अभी तो हम लोगों ने इस्तीफा की मांग की थी, इस्तीफा हुआ है और बाकी भ्रष्टाचार के मामले जो हैं आगे हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, उठाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। नीतीश कुमार ने आपके खिलाफ पूरी टीम उतार दी है JDU की, कह रहे हैं कि आपको विरोधी दल का नेता नहीं बनना चाहिए। अरे मंथन करना चाहिए नीतीश जी को, जो हार हुई है उनकी उस पर मंथन करना। जीराज सिंह कह रहे हैं लव जिहाद को लेकर